जय जगन्नाथ। सत्य दर्शन तृतीय विभाग विधि विधान परिसर को आपण मानक हृदय भर स्वागत। प्रिय अध्यात्म प्रेमी दर्शक बंधु, साधारणतः प्रत्येक मनीष दुख कष्ट मुक्ति पाइबा सुख शांति प्राप्त करने समस्या समाधान बा मनस्कामना पूरण करने सर्वदा निजर इष्ट देवी देवता अथवा जेकोणसी प्रिय ठाकुर को उपासना करी थांदी। शास्त्र रे एहा कुहा जाय छि कि शुद्ध और पवित्र हृदय रे भगवान को उपासना करिबा केबे भी व्यर्थ जाए ना। जेतेबेले कोनोसी भक्त भगवान को मनरे स्मरण करे भगवान अवश्य तार मन कथा बुझी पारंती एवं मन जाणी अवश्य फल प्रदान करी थांदी। तेणु भगवान को नित्य उपासना करिबा पई आम हिंदू धर्म रे पूजा पाठ करिबा पई विशेष नियम मान रही। नियमरे अणदेखा कले देवी देवता प्रसन्न होइ नथांती एवं पूजा निष्फल हुए फलप्राप्ति होइ नथाए। आजिर भिडियो रे पूजा पाठ संबंध रे केतेक जरूरी नियम विषय रे आसंतु जानिबा। आज आपण मानक पई विषय रहिछि पूजा पाठ करिवार विशेष जरूरी नियम। प्रिय सज्जन, जेकोणसी देवी देवतांकर पूजा करिवा पई हेले प्रथमे स्नान करा जाय। स्नान नकरी पूजा पाठ करिबा अनुचित। स्नान करी सारी शुद्ध वस्त्र परिधान करिबा उचित। एहा द्वारा मन शांत और पवित्र होइथाय। शांत मनरे भगवान को पूजा कले भगवान खूब शीघ्र प्रसन्न होइथांती। जेकोणसी पूजा करिबा समय रे पेटरे गरिष्ठ खाद्य रहिबा अनुचित। उपवास करी पूजा करिबा भल। जदि उपवास करिबा संभव हेउ नाही तेबे हल्का लघुपाक खाद्य ग्रहण करिपरिबे। प्रतिदिनर घरोई पूजा करूथिले स्नान परे पूजा उपासना करि सारि खाद्य खाइपरिबे। ठाकुरंकर पूजा आरंभ करिबा पूर्वरु प्रथमे पवित्र आसनरे बसिबा उचित। केतेक भक्त पूजा कला बेले बिना आसनरे सीधा भूमि उपरे बसि जान्ती, एपरि करिबा अनुचित। पूजारे आसन शुद्धिर गुरुत्व रहिछि, तेणु शुद्ध आसनरे बसि पूजा करिबा उचित। शास्त्ररे कम्बल आसन किंबा कुश आसन व्यवहार करिबाकु शुद्ध बोली विवेचना करा जाय। जेकोणसी देवी देवतांकर पूजा करन्तु ना काहिंकि प्रथमे श्री गणेशंकु स्मरण करिबा बा पूजा करिबा उचित। सेथिपई श्री गणेश भगवानकु अग्रपूज्य कुहा जाय। प्रत्येक शुभ कर्मरे प्रथमे श्री गणेशंकु प्रणाम करी कर्म आरंभ करा जाय। गणेशंकु स्मरण नकरी पूजा कले पूजा निष्फल होइथाय। जेकोणसी ठाकुरंक पूजा करूथिले बा ओषा व्रतरे जेकोणसी देवदेवींकर पूजा करूथिले पूजारे झुणा धूप आदि जलाइबा उचित। किंतु आजिकाली अधिकांश पूजा पाठरे धूप बदलरे धूपकाठी बा अगरबत्ती जलाउछंती। एहा शास्त्रानुमोदित नुहे। प्रायतः धूपकाठी बाउंसरे निर्मित होइथाए। बाउंसकाठी जाळीबा द्वारा पूजा फलप्रद होइनथाए। ठाकुरंक पूजा आरंभरु दीप जळाइबा अनिवार्य। दीपम ज्योति परम ब्रह्म। दीप बिना पूजा अधूरा। दीप ही भक्तर प्रार्थना को भगवान को सहित जोड़ी देइथाए। किंतु केतेक दीप न जलाई केवल धूप किंबा धूपकाठी जलाई पूजा करी थांती। एपरी पूजा को भगवान आदौ ग्रहण करी न थांती। पूजा आरंभ रे तीनी थर शंख बजाइबा उचित एवं पूजा शेष रे मध्य शंख बजाइबा शुभ होइथाए। शंखध्वनि मन को स्वच्छ करी थाए एवं पूजास्थल बा घरर परिवेशरु नकारात्मक ऊर्जा बाहरी जाइथाए, जहाँफळरे घरर परिवेश सुस्थ और पवित्र होइथाए। जेकोणसी ठाकुरंकर पूजा रे नैवेद्य समर्पण करिवार नियम रहिछि। बिना नैवेद्य रे ठाकुरंकर पूजा करा जाय नाही। जेउं देवतांकर जेउं नैवेद्य प्रिय ताहा अर्पण करिबा आवश्यक। प्रायतः प्रत्येक ठाकुरंकु फळमूल आदि नैवेद्य अर्पण करा जायथाए। जेकोणसी पूजा करंतु ना काहिंकि खुशी मनरे श्रद्धा
ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। କଦାପି ଅଶାନ୍ତ ମନରେ କିମ୍ବା କ୍ରୋଧ ବିରକ୍ତିରେ ପୂଜା କରିବା ଅନୁଚିତ। ପୂଜା କଲାବେଳେ ଧୀରସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ପୂଜା ସାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପୂଜା ମନ୍ତ୍ରାଦିକୁ ଚାଉଁ ଚାଉଁ କରି ପାଠ କରିବା। ବ୍ରତ କଥା ପାଠ କଲାବେଳେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ି ସାରିଦେବାକୁ ଚାହିଁବା। ଏପରି ଭୁଲ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟବାନ ପୂଜା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ପୂଜା କରିବାର କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିନଥାଏ, ଓଲଟା ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ମନ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ପୂଜା ବ୍ରତାଦି କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟ ସଜନ, ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ପୂଜା ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଶେଷ ଓଷା ବ୍ରତରେ ପୂଜାପାଠ ହେଉ, ଏହିସବୁ ବିଶେଷ ନିୟମ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ଅବଶ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କଦାପି ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନବାଞ୍ଛା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠାରେ ବିରାମ ଦେଉଛି, ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।